हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश समान। इस वीडियो में हम एस्पिरिन टैबलेट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एस्पिरिन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशन में किया जाता है, एस्पिरिन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एस्पिरिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और ये भी डिस्कस करेंगे कि एस्पिरिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशन में एस्पिरिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। एस्पिरिन टैबलेट को एसेटाइलसैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। एस्पिरिन टैबलेट एक एंटीप्लेटलेट ड्रग है जो खून को पतला करती है और शरीर में ब्लड क्लॉट बनने से रोकती है। एस्पिरिन टैबलेट खून को पतला रखती है जिसकी वजह से एंजाइना, हार्ट अटैक और स्ट्रोक यानी लकवा लगने का रिस्क कम हो जाता है। जिन लोगों को पहले कभी स्ट्रोक, लकवा या हार्ट अटैक आ चुका है, उन लोगों में आगे स्ट्रोक, लकवा या हार्ट अटैक होने के रिस्क को कम करने के लिए भी डॉक्टर एस्पिरिन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। एस्पिरिन टैबलेट खून को पतला तभी करती है जब एस्पिरिन टैबलेट को लो डोज यानी कम डोज में दिया जाता है। अगर एस्पिरिन टैबलेट को हाई डोज यानी ज्यादा डोज में दिया जाता है तब एस्पिरिन टैबलेट एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा की तरह काम करती है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयों का उपयोग शरीर में दर्द और बुखार से राहत पाने के लिए किया जाता है, जैसे सिर दर्द, कमर दर्द, दांतों के दर्द, मांसपेशियों के दर्द, जोड़ों के दर्द आदि कंडीशंस में एस्पिरिन टैबलेट का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अर्थराइटिस में दर्द और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए भी डॉक्टर एस्पिरिन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन। अर्थराइटिस को हिंदी भाषा में गठिया भाव के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादातर पेशेंट को डॉक्टर एस्पिरिन टैबलेट को लो डोज में यानी खून को पतला करने के लिए लेने की सलाह देते हैं। एस्पिरिन एक सोल्ट नेम है। एस्पिरिन टैबलेट को इकोस्पिरिन और लोप्रिन आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। एस्पिरिन टैबलेट 75 mg, 150 mg, 300 mg और 325 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एस्पिरिन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए। एस्पिरिन टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है, क्योंकि एस्पिरिन टैबलेट को खाली पेट लेने से पेट में जलन, पेट में दर्द और पेट में बेचैनी की समस्या हो सकती है। इसलिए एस्पिरिन टैबलेट को खाली पेट लेने से बचना चाहिए और एस्पिरिन टैबलेट को खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। एस्पिरिन टैबलेट को आपको कम से कम एक गिलास पानी के साथ लेना चाहिए। खून को पतला करने के लिए डॉक्टर एस्पिरिन 75 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन उम्र व बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में एस्पिरिन टैबलेट की डोज इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको एस्पिरिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही एस्पिरिन टैबलेट को लेना चाहिए। आपको एस्पिरिन टैबलेट को लेने के बाद 20 मिनट तक लेटना नहीं चाहिए। आप एस्पिरिन टैबलेट को लेने के बाद 20 मिनट तक सीधे बैठ सकते हैं या फिर चल फिर सकते हैं। अगर आपको एस्पिरिन टैबलेट को लेने के बाद पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में बेचैनी की समस्या होती है तो आप एस्पिरिन टैबलेट को खाना खाने के साथ या दूध के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप एस्पिरिन टैबलेट को खाना खाने के साथ या दूध के साथ लेते हैं और फिर भी आपको पेट में जलन या पेट में बेचैनी होती है तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एस्पिरिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एस्पिरिन टैबलेट आपके खून को पतला करती है जिसकी वजह से कोई चोट लगने पर ब्लीडिंग होने का रिस्क अधिक हो जाता है। अगर आप एस्पिरिन टैबलेट को ले रहे हैं और आपको कोई चोट लग गई है तो आपको तुरंत ही नजदीकी हॉस्पिटल में जाना चाहिए ताकि ब्लीडिंग होने के रिस्क को कम किया जा सके। वैसे एस्पिरिन टैबलेट एक सेफ दवा है और ज्यादातर लोगों में एस्पिरिन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में एस्पिरिन टैबलेट की वजह से नोजिया, वोमिटिंग, चक्कर आना, शरीर में थकान होना और सिर दर्द हो सकता है। कुछ लोगों में एस्पिरिन टैबलेट की वजह से पेट में ब्लीडिंग या पेट में अल्सर हो सकती है। अगर आपको एस्पिरिन टैबलेट को लेने के बाद आपका पेशाब या स्टूल डार्क कलर का आता है तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। एस्पिरिन टैबलेट की वजह से अन्य साइड इफेक्ट भी पॉसिबल है। अगर आपको एस्पिरिन टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षण होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करें कि एस्पिरिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशन में एस्पिरिन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। लंबे समय तक एस्पिरिन टैबलेट के साथ शराब का सेवन करने से पेट में ब्लीडिंग व अल्सर होने का रिस्क अधिक हो जाता है, इसलिए आपको एस्पिरिन टैबलेट के साथ शराब का सेवन करने से बचना चाहिए। अगर आपको एस्पिरिन टैबलेट या किसी अन्य नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा से एलर्जी है तो जैसे एसिक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक या निमसुलाइड आदि दवा से एलर्जी है तो आपको एस्पिरिन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की सर्जरी होने वाली है या दांत निकलवाना है तो डॉक्टर सर्जरी या दांत निकालने से पहले 1 से लेकर 2 सप्ताह पहले एस्पिरिन टैबलेट को रोकने की सलाह दे सकते हैं। अगर आपकी सर्जरी होने वाली है या दांत निकलवाना है तो आपको एस्पिरिन टैबलेट के बारे में डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए। अगर आपको अस्थमा यानी दमा की समस्या है तो आपको इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों में एस्पिरिन टैबलेट की वजह से अस्थमा यानी दमा गंभीर हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया
डायरिया, विटामिन के डिफिशियंसी और लो प्लेटलेट काउंट की समस्या है तो ऐसे लोगों के लिए एस्पिरिन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को किडनी, लीवर की कोई समस्या, पेट में अल्सर या पेट में ब्लीडिंग की समस्या है, ऐसे लोगों के लिए एस्पिरिन टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको किडनी, लीवर, पेट में अल्सर या पेट में ब्लीडिंग की समस्या है या पहले कभी हुई है तो उसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करारी महिलाएं एस्पिरिन टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। वैसे गर्भवती महिलाओं के लिए एस्पिरिन टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन कभी कभी डॉक्टर गर्भवती महिलाओं में प्री एक्लेम्प्सिया और अर्ली प्रेगनेंसी लॉस को रोकने के लिए एस्पिरिन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को एस्पिरिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भवती महिलाओं को एस्पिरिन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो महिला स्तनपान करा रही हैं उनके लिए भी एस्पिरिन टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि एस्पिरिन टैबलेट माँ के दूध के जरिए बच्चे तक पहुँच सकती है और बच्चे में साइड इफेक्ट पैदा कर सकती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एस्पिरिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एस्पिरिन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका एस्पिरिन टैबलेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।